महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कार्यरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी हमेशा ही छात्रों के हित में आवाज़ उठाता है। इस बार पॉलिटेक्निक फैकल्टी में एबीवीपी की ओर से छात्रों की मांगों को साझा करते हुए प्रिंसिपल वीरेंद्र खरे को आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल C2D फॉर्म की तारीख बढ़ाने के मामले में, ATKT के इम्तिहानों की तारीखों की घोषणा करने के मामले में और साथ ही रीअसेसमेंट और रीचेकिंग के पैसे भर दिए गए होने के बावजूद भी अब तक ये कार्य नहीं होने के मामले के मद्देनजर एबीवीपी ने छात्रों के साथ मिलकर पॉलिटेक्निक फैकल्टी पर सूत्रोच्चार करते हुए आवेदन पत्र दिया और जल्द से जल्द छात्रों की मांगों को पूरा करने की मांग भी एबीवीपी की ओर से रखी गई। आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पॉलिटेक्निक फैकल्टी में आवेदन पत्र दिया गया है। कई सारे विषयों को ध्यान में लेते हुए C2D में जो पोर्टल है वो बंद कर दी गई थी, तो उसमें पोर्टल का जो दिन है वो ज़्यादा करने में आए, बढ़ोतरी करने में आए, उसमें ऐसी विद्यार्थी परिषद की मांग है। और जो ATKT जो विद्यार्थियों की आई है, 500 रुपये जो विद्यार्थियों ने फ़ी पे की है, तो वो उसमें कोई अभी तक अपडेट कोई ध्यान में नहीं आ रही, तो वो अपडेट देने में आए यूनिवर्सिटी सत्ताधीशों के द्वारा। और साफ सफाई करने में आए, फैकल्टी के अंदर साफ सफाई करने में नहीं आ रही है। ये इस मुद्दे को ले ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था पॉलिटेक्निक फैकल्टी का। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।